इस चुनाव मैदान में सभी राजनीतिक दल आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक जमीन मजबूत करने और चुनावी गोटियां बिछाने में सक्रिय हो गए हैं। ऐसी ही एक राजनीतिक पार्टी जय महाभारत पार्टी ने मुंबई प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। साथ ही पार्टी ने घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी 288 उम्मीदवार मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकारों के बीच जय महाभारत पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अनंत विष्णु प्रभु ने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि हमारी पार्टी हितों के लिए गारंटी स्तर पर काम करेगी। उन्होंने जय महाभारत के चुनावी एजेंडे की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी पूरे देश में शराबबंदी लागू करेगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी पार्टी फोकस करेगी। में डिस्ट्रिक्ट में नया स्कूल एवं कॉलेजेस
वेरियस फील्ड्स में बढ़ा के पूरा एजुकेशन 100% मुफ्त देने का, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का हमारा इरादा है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस को सरकार के रूप में टेक ओवर करके, सरकार में बंद करके आपका बाल बच्चों को कोई एक पैसा आप देने की जरूरत ना पड़े। पेन, पेंसिल, किताब, फोल्डर्स, मटेरियल सब कुछ सरकार का जिम्मेदारी है, 100% मुफ्त एजुकेशन देने का है। और उसके साथ साथ पूरा महाराष्ट्र में भी मेडिकेशन देने का हमारा इरादा है। नया नया मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुल्ला मुल्ला में, तहसील तहसील में, गांव गांव में फीसबिलिटी पॉसिबिलिटी दे के बना के मुफ्त ट्रीटमेंट और दवा का सप्लाई करने का हमारा इरादा है। हम ये कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करेंगे, मर्ज करेंगे, जनता से एक पैसा नहीं लेना है, मुफ्त ट्रीटमेंट देना है। आयुष्मान दवा ये कार्ड देना, जीवन मान दवा वो कार्ड देना, ये पूरा चीटिंग का काम है। जब आप भारत का नागरिक है, आपके पास वोट डाल रहा है, आधार कार्ड है, फिर ये ड्रामा किस लिए? आयुष्मान दवा, जीवन मान दवा, हबीब के लिए अमीर गरीब कोई नहीं है। अगर आप अमीर है तो टैक्स दे रहा है, गरीब अमीर कोई दवा देने में, शिक्षा करने में भेदभाव व्यत्यास नहीं देखना चाहिए, हमारा इरादा है। और शिक्षा देना है, शिक्षा करना, दवा देना, ये सेवा भाव है। आजकल ये पूरा व्यापार बन चुका है, व्यापार बनने के लिए भी सरकार मजबूरी कर दिया है। इसीलिए ये कहना चाहता कंप्लीट एजुकेशन मेडिकेशन 100% महाराष्ट्र में मुफ्त देने का जय महाराष्ट्र के ये वादा है, ये हमारा कसम है। वजह क्या है? मैं भगवान श्री अनंत विष्णु फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जय महाभारत पार्टी एवं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैंने मास्टर ऑफ लॉ स्टडी किया, वैकुंठ धाम का मालिक है, और हमारा पूर्वज विष्णुकुंडिनी डायनासिटी विष्णुवंशन से बिलोंग करते हैं। 75% भारत को हमारा पूर्वज ने रूलिंग किया। तो ये कहानी चलते चलते भारत के बारे में मैं नस नस में मूलों को पूर्ण ध्वनि में जानता हूँ, मैं भारत में क्या हो रहा है। चाइना का बजट एजुकेशन में लगभग 40 लाख करोड़ है, अब भारत का बजट है केवल 5,000 करोड़ का बजट है एजुकेशन के लिए, तो कितना डिफरेंस है। इसलिए जय महाभारत पार्ट का मेन मसौदा है एजुकेशन मेडिकेशन बेहतर देना है, यानी आपका अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे, तब आगे काम करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम ध्यान दे रहा है, भविष्य को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन मेडिकेशन जरूरी है। और इसके साथ साथ पूरा महिला सशक्तिकरण करने के लिए संविधानिक कानून में 50% महिला लोगों को आरक्षण देने के लिए जय महाभारत पार्टी तय है, और हर फील्ड में महिला लोगों को आधा उत्साह है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहाँ कहाँ नारी का मान सम्मान देते हैं वहाँ साक्षात देवी देवता नाश्ता उनके लिए आदि है। तो ये कहना है जब घर में माँ खुशी है, घर में बीवी खुशी है, बहन खुशी है, तो ये घर पूरा खुशी खुशी हो जाएगा और दुनिया खुशी हो जाएगा। अगर घर में माँ बीमारी है, उसका भी दवा नहीं मिल रहा, उसकी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो पूरा घर परेशान हो जाएगा। इसलिए औरत लोगों को इज्जत देना, मान सम्मान देना, उसका हक उसको मिलना हमारा जय महाभारत पार्ट का इरादा है। औरत के लिए हर तरीके हम लोगों को सहयोग करने के लिए, उसके साथ साथ हम काम करने के लिए जय महाभारत पार्टी तय है। इसलिए जय महाभारत पार्टी पूरा 288 पे लगभग आधा सीट औरत लोगों को देने के लिए तैयार है, युवा लोगों को देने का तैयार है। और सबसे बड़ा यह है जो GST का बात आते हैं, महाराष्ट्र में पूरा जो प्रेजेंट प्रस्तुत टैक्स पॉलिसीज को हम रिवेज करके उसको अबॉलिश करके नया टैक्सेशन पॉलिसी लागू करेंगे। कॉमन टैक्स 16% काफी है देश चलाने के लिए, महाराष्ट्र को चलाने के लिए। जब GST 28% से सब्सिडी देके महाराष्ट्र में कॉमन टैक्स सार्वत्रिक टैक्स लागू करके केवल 16% में जनता को रिलीफ देना हमारा इरादा है। इसीलिए जय महाभारत पार्टी ये तय करके आगे बढ़ रहा है, और साथ साथ जय महाभारत पार्टी खेतबाड़ी किसानों के लिए बात किया, फिर एजुकेशन फ्री मेडिकेशन के बारे में बात किया, बेरोजगारी खत्म करने के लिए बात किया, और बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमारा बेहतर योजना में आपको समझाने जा रहा है। ये ध्यान से मीडिया के भी जरूरी है, ये देश का भी जरूरी है, आपके भी जरूरी है, ध्यान से सुन लीजिए। ये विकास, विकास का बहुत बोलते हैं, लेकिन विकास कैसा होता है? विकास करने के लिए मौका चाहिए, यानी काम करने के लिए एक अवसर चाहिए। जब अवसर कैसा होना चाहिए? ये देसी अवसर से रेवेन्यू आता है, जो हमारा चीज एक्सपोर्ट होता है तभी पैसा आता है। अगर हमारा इंपोर्ट करने से हमारे ऊपर बोझ पड़ता है, इसलिए
एक्सपोर्ट करने का ताकत में है वो क्या है, गोबर गैस। यानी महाराष्ट्र में पूरा एलपीजी गैस बंद करने का हमारा इरादा है। एक एलपीजी गैस सिलेंडर 1000 रुपया लगभग 1200 रुपया, तो साल में 12000, 5 साल में 60000 एक सिलेंडर खरीदने से। अगर किसी परिवार ने 2 सिलेंडर इस्तेमाल किया या ज्यादा इस्तेमाल किया है तो 60 लाख से लेकर 2-3 लाख तक अपना भारत का पैसा ये पूरा गैस कंपनी के द्वारा जा रहा है। इसको रोक लगा के, वो पर्यावरण का विकास है। जब धरती माता को छेद छेद के गैस निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, इससे धरती खोखला हो चुका है। उसको हम पर्यावरण को रक्षा करने के एलपीजी गैस हम कंप्लीट बंद करेंगे, आपका मैनेजमेंट रोक तो छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहना था, इसलिए जय माँ भगवती तय है। हर पत्रकार लोगों को, ऑल फील्ड का पत्रकार लोगों को एवरी मंथली ऑनोरियम देने का हमारा इरादा है, और रहने के लिए फ्लैट बना के देने का हमारा इरादा है। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया क्या है, वर्सनल प्रोफेशनल डिवोशनल हो, किसी पत्रकार का प्रोफेशन के लिए, जर्नलिज्म के लिए, ऐसा लोगों के लिए लिस्ट बना के कंपल्सरी महीने महीने ऑनोरियम 15,000 से 30,000 तक, जूनियर को 15,000, सीनियर को 30,000 तक, और रहने का फ्लैट सुविधा देने के लिए हमारा जय माँ भगवती निश्चित रूप से तय है। ये मेरा वादा है, मैं 2010 से कह रहा हूँ। लेकिन अलग अलग जर्नलिस्ट यूनियन से ना कुटिल नीति से छोटा मोटा नेता के चक्कर लोगों से आप लोगों का आप लोगों को कुर्बानी कर रहा है। ये छोटा मोटा दल, छोटा मोटा नेता लोग जैसा पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है, ऐसा आप लोगों की बहुत बहुत यूनियंस है। मैं कई यूनियन के चीफ गेस्ट बन के गया, सब लोग ये समझाना चाहता। मैं सुप्रीम कोर्ट का लायर है, ऐसे मैं सुप्रीम कोर्ट का, लोअर कोर्ट का ये नहीं मानता। अखंड भारत में लायर एक ही है। मैं यूनिवर्सल लायर ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड प्रेजिडेंट है, मैं यूनिवर्सल प्रेजिडेंट हूँ मैं। इसलिए सारा धरती का लायर पूरा मेरे नेटवर्क में है। ऐसा ये मीडिया लोगों भी अखंड भारत में एक होना जरूरी है, तो तक आप लोगों का जीवन अच्छा होगा। आप लोगों का अच्छा ऑनोरियम मिल रहा है, फैसिलिटी अच्छा है, तो तभी आप अच्छा सोच रख के आगे बढ़ सकता है। आपका द्वारा कोई कोई बड़ा बड़ा नेता बन गया, शायद बचपन से आपका सीनियर लोगों को देखते देखते मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री गया, कहीं बन गया होगा आपका। आप इतना चमकाते, लेकिन चमकाने वजह से आप लोगों खुद भी चमकने के लिए थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ये मेरा दर्द है, तेल कौन डालेगा सर? तेल कौन डालेगा? नहीं, मैं ये बोल रहा, तेल कौन डालेगा? नहीं बात है, रात का तेल डालने के लिए रेडी है यहाँ पे बड़ा बड़ा बाटल। मेरा बात ध्यान से सुनिए, बड़ा बड़ा तेल डालने के लिए तो रेडी है। मीडिया वाले मुझे बोल रहे हैं कि भाई इनका भी कुछ होना चाहिए। तो सर सर ये काम के सर सर एक मिनट सुनो, तो आपकी तरफ से कितना सपोर्ट रहेगा सर? सर मेरे तरफ से अखंड भारत में, अखंड भारत में ये महाराष्ट्र में सारा सारा मीडिया लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले जैसे उसका पूरा खर्च मैं उठा दूंगा। नहीं अभी भी रेडी है मैं, आप नहीं कीजिए, अभी भी रेडी है, अभी भी चेक काट के दे दूंगा मैं। आप लोगों सारा जितना भी डैमेज फील्ड है ना पूरा एक मंच पे आ जाए। डिमांड क्या है, आंदोलन मिलना चाहिए और अकोमोडेशन मिलना चाहिए। हमारा दर्द भी है, हम सपोर्ट करेंगे, महाभारत के तय है सर। महंगाई का दर्द देखे और दारू पीने के बाद परिवार कैसा बर्बाद होता वो भी देखे, तो सभी सोचने के बाद ही मैंने ये एजेंडा लेकर आप लोगों के सामने रखा। अभी चुनाव चालू है, चुनाव को मद्देनजर रखते महाभारत पार्टी का महाराष्ट्र को क्या है? नहीं, पहले से महाराष्ट्र से भेजे हम लोग, जय महाभारत पार्टी दिल्ली में भेजे, महाराष्ट्र में भेजे। हम नया है, हमारा विचारधारा से जुड़ने वाला कि हम लेते हैं, हम गंदा लोगों की इसमें एंट्री नहीं करता। आचार विचार अच्छा हो और संस्कार अच्छा हो, जनता को सेवा करने का प्रति वो ऐसा लोगों हमारे महाभारत पार्टी में है, इसलिए धीरे धीरे हम बढ़ रहा है। तो हम पहले एक ही था, आज 22 राज्यों में हो रहा है, महाराष्ट्र में यहाँ सरकार बना के दे देंगे, जल्दी से जल्दी आप सहयोग दे दीजिए। जय महाभारत पार्टी किस पार्टी को समर्थन करेगी? बीजेपी और कांग्रेस को तो आपने कहा कि हम उसको समर्थन नहीं देगा, तो किसको आप समर्थन दोगे? नहीं सर, किसी को नहीं बोला, जो हमारा एजेंडा के मुताबिक बीजेपी कांग्रेस छोड़कर हमारा लाइक माइंडेड समांतर विचारधारा लोगों में, अगर
पड़े तो हमारा एजेंडा, ये एजेंडा जनता के लिए लागू करने के लिए है, तो हम उपयोग कदम लेने के तैयार है। ये नहीं हम गवर्नमेंट नहीं है, ये नहीं हम डिक्टेटर नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर हम जनता को